वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। सबसे पहले फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कुछ लिखे भी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जो हमारे मोस्टली एग्जाम्स में आती है। ये हमारा रियल एनालिसिस में लेक्चर नंबर 5, ध्यान से देखिए, और चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास थ्योरम है। क्या कहता है देखिए, हमारे पास द इंटीरियर सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस, कोई मैट्रिक्स स्पेस है हमारे पास एक्स डी, तो हम डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, हमने एक मैट्रिक्स स्पेस ले लिया एक्स डी, और हमने कोई ए सबसेट ले लिया इसका, इस एक्स का। अब ध्यान से देखिए, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, शो दैट दिस इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। देखिए हमें इसमें तीन चीजें शो करनी है, पहली चीज शो करनी है लार्जेस्ट, फिर करनी है ओपन, फिर करनी है कंटेन्ड इन। तो सबसे पहले तो मैं शो करूंगा कि ये एक ओपन सेट है, कि इंटीरियर हमने ए सबसेट लिया है, तो हमें क्या शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हमारा स्टेप होगा, फर्स्ट वी शो दैट, हम क्या शो करेंगे, दैट ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। पहले तो हम यही शो करेंगे कि ये ओपन सेट है। तो देखिए ए इंटीरियर ओपन सेट शो करना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट केस इफ ए इंटीरियर इज एम्प्टी, देन एम्प्टी है, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एन ओपन सेट, और ओपन सेट है तो हमारे पास यही लार्जेस्ट हो गया, क्योंकि एम्प्टी है तो कुछ और इसके अंदर हमारे पास आएगा ही नहीं, और कोई ओपन सेट बनेगा ही नहीं, और कंटेंट ही नहीं, तो हमारा जो थ्योरम है वो यही प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सेकंड चीज चलते हैं, कौन सी, अगर हमारा ए इंटीरियर कैसा हो, नॉन एम्प्टी। ध्यान से देखिए, अगर हमारा ए इंटीरियर नॉन एम्प्टी है तो मुझे शो करना है, सबसे पहली चीज वी विल शो दैट ए इंटीरियर इज ओपन सेट। तो ओपन सेट शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से कोई एक पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक है, और इस ए इंटीरियर को इस एक्स की नेबरहुड दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सेट कैसा हो जाएगा, ओपन। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, हमने एक एलिमेंट लेके चले, ठीक है, नाउ ये हमने शो करना है ओपन, ठीक है, एक्स किसमें है, ए इंटीरियर में, इट मींस एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक्स क्या हो गया हमारे पास, ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया, हमें ओपन शो करने के लिए क्या दिखाना है, इस पॉइंट और इस सेट के बीच में एक ओपन स्फीयर दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है, x belongs to SRX which is contained in this, यही तो शो करना है ना मुझे ओपन के लिए, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी शो कर रखा है। तो चलिए, x is an integral point of A हो गया, तो by definition of an integral point of A there exists an open sphere SRX which is contained in A, वो A में तो contained हो गई, मुझे क्या शो करना है, मुझे सिर्फ ये शो करना है कि जो ये SRX आई है वो किस में चली जाए, A integral में चली जाए, तो ओपन शो मेरा हो जाएगा। तो नाउ वी क्लेम दैट, हम इसको शो करेंगे कि जो ये एस आर एक्स है जो मेरा बना है इसमें होगा ए इंटीरियर, ए में तो आ गया, अब इसको किसमें भेजना है, ए इंटीरियर में भेजना है। अब दो एक सेट और दूसरे सेट में कंटेंट दिखाना हो तो क्या शो करते हैं, यहां से एक एलिमेंट लेके चलो और इसमें दिखा दो। तो देखिए, लेट एक एलिमेंट लेके चले, y belongs to SRX, ले लिया, it means क्या होगा हमारे पास, distance between x and y, छोड़ो हमें distance पे जाना ही नहीं है, हमने open set show करना, so y belongs to SRX है, SRX क्या है हमारे पास, एक open sphere, SRX is an open sphere, और हमने last lecture में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, every open sphere is an open set, हर open sphere क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। अब हर ओपन स्फीयर अगर ओपन सेट होता है तो ये SRX भी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। देखिए ओपन सेट बन गया, अब कोई पॉइंट है किसी ओपन सेट में, इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास, अब देखिए y इज अ पॉइंट इन ओपन सेट, तो हमें क्या मिलेगा, एक ओपन स्फीयर मिलेगा, ओपन सेट की डेफिनेशन होती है, तो यहां लिख दो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट There exists an open sphere with
center y radius r1 which is contained in srx मिलेगा ना हमारे को by definition of an open set मिल गया। मुझे तो क्या करना है, देखिए मुझे क्या करना है, ये ओपन स्फीयर इसमें दिखाना है अपने इसके अंदर। अब ध्यान से देखिए, y belongs to sr1 आ गया which is contained in srx और srx is contained in a, तो srx चला गया। इज इट ओके? अब देखिए ध्यान से, इस बीच वाले को छोड़ दो, y a का एलिमेंट, बीच में एक ओपन स्फीयर, सो बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ए क्या होगी, इसकी नेबरहुड होगी, या वाई इसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट हो गया। पॉइंट और सेट के बीच में एक ओपन स्फीयर आ गया, इट मींस वाई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, वाई क्या हो गया, ए का एक इंटीरियर पॉइंट हो गया। अब ध्यान से देखिए, जब वाई ए का इंटीरियर पॉइंट होगा, इट मींस वाई बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। हमें जो शो करना था, हमें ये तो शो करना था, एलिमेंट लिया यहां से, दिखा इसमें दिया, इट मींस जो मुझे शो करना था वो मेरा हो गया, srx इज कंटेनिंग ए। अब देखिए ध्यान से, मेरे जो थ्योरम सी वो प्रूव हो गई, x बिलोंग्स टू srx व्हिच इज कंटेनिंग इन ए इंटीरियर, इट मींस ए इंटीरियर इज द नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। ए इंटीरियर क्या बन गया, नेबरहुड हो गया अपने सभी पॉइंट का, तो हेंस ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट, तो ये मेरा बन गया ओपन सेट। मेरी जो फर्स्ट चीज थी वो प्रूव हो गई, मुझे क्या शो करना था, ओपन शो करना था, वो मैंने ओपन शो कर दिया। बहुत इजी कंसेप्ट से हमने इसको ओपन शो किया है। अब देखिए हमने क्या शो करना है, हम सेकंड शो चीज शो करेंगे कि वो क्या है हमारे पास, कंटेंट इन। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट हमने शो कर दिया इट इज एन ओपन सेट, तो हमने ओपन सेट वाली चीज को हटा दिया। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट और ओपन सेट क्लियर है तो आप किसी भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सेकंड, वी शो दैट ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, हम ये शो करेंगे कि ए इंटीरियर क्या है, ए में कंटेन्ड होता है। चलो बाय डेफिनेशन ऑफ ए इंटीरियर क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यही तो लेते हैं ना, और ये एक्स कहां से आता है, ए में से आता है। ए के सभी पॉइंट से आएंगे इसके अंदर, ए से बाहर का तो कोई पॉइंट आएगा ही नहीं, तो ये चीज किसमें चली गई, कंटेंड इन ए, तो ए इंटीरियर किसमें चला गया, ए में कंटेंड हो गया। ये चीज आपकी सिंपली बाय डेफिनेशन होगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज लास्ट, वी शो दैट ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंड इन, क्योंकि ए से बाहर तो कहीं जाएगा ही नहीं कोई भी ओपन सेट है, तो ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंड इन, हमें ये शो करना है। हम चलते हैं ऑन कंट्ररी, हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है और उसको रॉन्ग प्रूव करते हैं। ऑन कंट्ररी हम मान लेते हैं लेट बी इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, ठीक है, which is contained in, हमने क्या मान लिया, contrary से हमने मान लिया कि जो B है वो एक largest open set है, या फिर मैं यूं कह लूं कि B को मैंने कोई भी एक open set मान लिया। जब B कोई भी एक open set हो जाएगा और हर open set अगर इसमें चला गया तो ये क्या बन जाएगा, largest हो जाएगा। तो let B is a any open set, मुझे बस show क्या करना है कि जो ये B होगा ये कुछ नहीं होगा, वो A interior में contained होगा। तो मैंने B को एक ओपन सेट ले लिया, ध्यान से देखिए, अब B आपके पास एक ओपन सेट हो गया, ठीक है, जो A में कंटेंट है, मुझे शो करना है वो A इंटीरियर होगा। फिर से अपने बेसिक पे चलिए, दो सेट पे दूसरे में कंटेंट दिखाना है, एलिमेंट यहां से लेके चलो और यहां शो कर दो। तो लो लेट Z बी एन एलिमेंट विच इज बिलोंग्स टू D, ये कैसा सेट है हमारे पास, ओपन सेट है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक ओपन स्फीयर मिलेगा ऑफ रेडियस आर टू सेंटर एट जेड विच इज कंटेन्ड इन बी, इज इट फाइन। नाउ जो बी है वो किसमें कंटेन्ड है, ए में, तो विच इज कंटेन्ड इन ए, ए में भी कंटेन्ड होगा। अब इस बी को हटा दो,
पॉइंट और सेट के बीच में एक ओपन स्फीयर मिल गया, इट मींस जेड इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, मैं कह सकता हूं जेड बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। तो जब एलिमेंट बी से लिया था, दिखा इसमें दिया, इट मींस बी इज कंटेंड इन द इंटीरियर। तो कोई भी ओपन सेट अगर आप लोगे जो ए के अंदर कंटेंड होगा वो ए इंटीरियर में ही चला जाएगा, तो हेंस ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, और कोई होगा ही। तो इन दिस वे हमने अपने तीनों कंसेप्ट प्रूव कर दिए कि इंटीरियर सेट ऑफ ए सबसेट, किसी भी सबसेट का, कोई सबसेट हमने ए ले लिया और हमने क्या करा उसका एक इंटीरियर लिया ए इंटीरियर, वो क्या शो करना था, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंड इन ए। तो कंटेन पहले ओपन दिखाया, फिर कंटेंट दिखाया, फिर लार्जेस्ट दिखा दिया, क्योंकि लार्जेस्ट मतलब कोई भी एक ओपन सेट लिया और वो उसी के अंदर कंटेंट हो गया। तो इस तरह से हम अपने इंटीरियर सेट की और ओपन सेट्स की सभी थ्योरम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आपको बेसिक डेफिनेशंस क्लियर है, जैसे हमने सिखाया है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।